वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में कंजर्वेटिव फोर्स को डिटेल में डिस्क्राइब किया था और उसकी एक एग्जांपल दी थी कि ग्रेविटेशनल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो काम किया जाता है वो बिल्कुल कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से किए जाने वाले काम के बराबर होता है। आज हम लोग ये बताएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से काम किस तरह से किया जाता है और ये किस तरह से कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर किए जाने वाले काम के ही बराबर होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या। ग्रेविटी का मतलब होता है कि कशिश की कुवत, मतलब कि किसी भी बॉडी को ज़मीन अपनी तरफ एक कशिश की वजह से खींचती है। हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द का वो इलाका, ज़मीन के अंदर, ज़मीन के इर्द गिर्द, यहाँ तक इसके गिर्द गिर्द का भी वो इलाका जहाँ पर कोई भी बॉडी जो है वो रखने से, अगर तो वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हो, ज़मीन के सेंटर की तरफ आए, ज़मीन की तरफ गिरना चाहे, तो वो इलाका जहाँ तक ये ज़मीन की कशिश की कुवत असरअंदाज हो, उस इलाके को, उस रीजन को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ले लेते हैं। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फोर्स रिएक्ट करती है उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है कि कशिश की कुवत। आपने अक्सर देखा होगा कि आप कोई भी चीज़ अगर फेंकते हैं किसी बुलंदी से तो वो हमेशा ज़मीन की तरफ ही गिरती है, क्योंकि ज़मीन से कशिश करती है, अपनी तरफ खींचती है। अब कभी ये तो नहीं ना हुआ कि आपने कोई चीज़ फेंकी और वो ऊपर की तरफ ही चले गए, हमेशा चीज़ नीचे की तरफ ही आती है, ख्वाह आप से नीचे की डायरेक्शन में फेंकें या थोड़ा सा अपवर्ड करके फेंकें। ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ पोटेंशियल एनर्जी का भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजिशन होती है और जैसे जैसे बॉडी में पोजिशन आती जाती है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क होता है वो वर्क और पोटेंशियल एनर्जी का आपस में बहुत ज़्यादा रिलेशन है। जो हमारा वर्क आता है वो तीन टाइप का होता है, या तो हमारा वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा। जब वर्क पॉजिटिव होगा तो उस सिचुएशन में हमारी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम, यानी कि नेगेटिव कह लीजिए, नेगेटिव हो जाएगी। जब हमारा वर्क जो है नेगेटिव होना शुरू होगा तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। और जब हमारा वर्क ज़ीरो हो जाए, मतलब कि वर्क डन हो ही ना, तो पोटेंशियल एनर्जी भी उस वक्त ज़ीरो हो जाती है जब हमारा वर्क ज़ीरो होता है। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि एक एग्जांपल ले लीजिए, आपने एक बॉल है उसको एक फोर्स से डाउनवर्ड पुश किया है, फोर्स लगाने की वजह से इसका जो वेट है एम जी डाउनवर्ड रिएक्ट करेगा और ये बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड करेगी। तो इस सिचुएशन में ये तो है तो पोजीशन ही ना, एक पोजीशन से आपने उसको ज़मीन की तरफ फेंक रहे हैं, ऐसा ऐसा उसकी ऊंचाई कम हो रही है, तो आप गौर कीजिए कि डी और एफ एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से एंगल जो है वो ज़ीरो हो गया, मतलब कि हमारा वर्क जो है मैक्सिमम पॉजिटिव हो गया। लेकिन हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ड्यू टू पोजिशन होती है। अब ऐसा ऐसा पोजिशन कम हो रही है ज़मीन की तरफ आते, तो मैं कह सकती हूँ ना कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है या नेगेटिव हो रही है, ठीक है। लेकिन ये इसका पहला केस है। अब दूसरा केस देख लीजिए। दूसरे केस में ये है कि जब आप बॉल को नीचे फेंकते हैं तो बॉल नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर भी तो जाती है ना, तो जब बॉल ऊपर जाती है उस केस को देख लेते हैं कि अब बॉल जो है वो ऊपर जाना चाह रही है, ज़मीन से टकरा कर वापस जाती है, तो इस सिचुएशन में ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करती है ड्यू टू पोजीशन, इसकी पोजीशन बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन एक सिचुएशन इसमें ये है कि इसका वेट तो अभी भी डाउनवर्ड रिएक्ट कर रहा है लेकिन अब पोटेंशियल एनर्जी की वजह से डिस्प्लेस तो अपवर्ड कर रही है ना, तो इन दोनों के दरमियान आप देखिए कि जो एंगल है, एंगल वो 180 है। 180 एंगल जो होता है हमारे वर्क को नेगेटिव कर देता है और इस वक्त जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू पोजीशन वो इंक्रीज करना शुरू कर जाती है। अब तीसरा केस ये ले लीजिए, दूसरा केस था और ये पहला। अब तीसरा हम ये कहते हैं कि फर्स्ट लीजिए कि एक बॉल थी उसको थोड़ी सी फोर्स लगा के रोक दिया, वो खुद ही ज़मीन पर मूव कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है, तो इस सूरत में जो इसका वेट है वो एम जी डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट आपके दाहिने हाथ की तरफ है, तो एंगल इन दोनों के दरमियान जो है वो 90 है ना, तो 90 की वजह से वर्क डन क्या हुआ, ज़ीरो। और दूसरी बात ये कि पोजीशन तो इसने गेन की ही नहीं है, तो बिल्कुल सरफेस पे नहीं चल रही है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हुई, ज़ीरो। अब हम लोग ये बताते हैं कि हम लोग जो है ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब कि अब हम लोग ये बताते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन कैसे करेंगे।
ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम लोग वर्क जो है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। फर्स्ट कर लीजिए कि आपने ए से पॉइंट ए से बी तक जाना। आप इसे ना इस तरह से विजुलाइज कीजिए कि जैसे आप स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी एग्जाम्पल होती है उनके कॉलेज की। फर्स्ट कीजिए कि आप साइंस स्टूडेंट ही तो हैं, आप साइंस ब्लॉक के अंदर सामने खड़े हैं, ठीक है, ये साइंस ब्लॉक है। आप लोगों को कुछ बुक्स हैं, वो आप लोगों ने इस पॉइंट तक पहुंचानी है ए से बी। या तो एक रास्ता ये हो सकता है कि आप सीढ़ियों के ज़रिए पहुंच जाएं बी तक, और यहाँ एक रास्ता ये हो सकता है कि आप ए से जाएं, थोड़ा सा फासला तय करें, बी तक आएं, बी से आपने लिफ्ट लिया, कोई ऐसा सोर्स लिया जिसके ज़रिए आप ऊपर डिस्टेंस ट्रैवल करके थोड़ी सी पोजिशन गेन कर कर आप बी तक पहुँच जाते हैं। या फिर आप ऐसा कीजिए कि एक सीढ़ियों से थोड़ा सा आगे ही ना एक लिफ्ट थी, आपने उसमें बैठ गए और फिर आप सी पॉइंट तक पहुँचे, और फिर आपने पैदल चल के बी तक पहुँच गए। या आपके कुछ ना कुछ पाथ हो सकते हैं ना, यानी कि आप डायरेक्ट सीढ़ियों से जा सकते हैं, या आप थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करके लिफ्ट तक पहुँचे, फिर लिफ्ट के ज़रिए ऊपर चले गए, या आप पहले सीढ़ियों के साथ ही लिफ्ट थी उसमें बैठे और फिर ऊपर चले गए, और फिर डिस्प्लेस करके आप लोग इस तरह आएगा, डिस्प्लेस करके आप बी तक पहुँच गए। तो इस तरह से आप विजुलाइज कीजिए कि अब हम लोग ए से बी तक जा रहे हैं। या तो एक रास्ता ये है कि हम सीढ़ियों के थ्रू चले गए, या दूसरी सिचुएशन ये है कि हम लोग पहले डी तक आए, डी से हम लोग गए बी तक, या पहले हम लोग गए सी तक और सी से हम लोग गए बी तक। इसके तीन पाथ हो गए अब हमारे। एक हमारा पाथ हो गया ए डी और बी, और दूसरा पाथ हमारा हो गया ए सी और बी, और तीसरा पाथ हमारा ए टू बी था। ये तीन हमारे पाथ थे, ठीक है जी। अब हम लोग देखते हैं कि इन पाथ में वर्क डन कैसे होता है। फर्स्ट कर लीजिए कि जो बॉडी है वो ए से जब बी की तरफ जा रही है, तो उस बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो टूवर्ड्स योर राइट, यानी कि आपके दाहिने हाथ की तरफ कर रही है। लेकिन इस सिचुएशन में जो बॉडी का वजन है एम जी, वो तो डाउनवर्ड है ना, तो इस सिचुएशन में जो आपका एंगल होगा थीटा, वो तो 90 है। तो आप इस सिचुएशन में वर्क डन कैसे काउंट करेंगे? आप कहेंगे वर्क डन फ्रॉम ए टू डी। हाँ जी, डी जो है आपका ये है कि एम एफ डी कॉस थीटा होता है, और ये ए टू डी है। अब एफ की जगह मैं एम जी ले सकती हूँ, बिकॉज मैं जानती हूँ कि एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एम जी लगा दिया मैंने फोर्स की जगह, और डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट आ गया, और कॉस थीटा की जगह अगर मैं कॉस 90 लगा दूं, तो ये तो हमारे वर्क को ज़ीरो कर देता है। मतलब कि ए से डी तक जाते वक्त हमारा वर्क नहीं होता फिजिक्स के लैंग्वेज में। अब हम लोग डी टू बी जाते हैं, इस सिचुएशन में मैं पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू पोजीशन गेन करते हुए ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपवर्ड जाती हूँ, जबकि मेरा जो मेरा जो वेट है एम जी, वो डाउनवर्ड रिएक्ट करता है। और डी जिसे मैं एच ले सकती हूँ ना, क्योंकि मैं हाइट जो है वो हाइट गेन कर रही हूँ, तो मैं डी को एच के इक्वल रख लेती हूँ। अब देखिए कि इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, इन दोनों के दरमियान तो एंगल 180 बन रहा है ना, बिकॉज ये एंटी पैरेलल है। अब इसकी वजह से हम अगर वर्क डन काउंट करें, तो हम यही कहेंगे ना कि जी हमारा वर्क डन है वो डी से बी तक जाते वक्त ऐसे है कि एफ डी कॉस थीटा है फ्रॉम डी टू बी। एफ की जगह मैं एम जी ले लूँ, डी की जगह अगर मैं एच रखूँ, क्योंकि मैंने हाइट ले ली, इसलिए यहाँ पर तो हाइट नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पर जब हाइट ली तो मैंने डी को एच के इक्वल कर लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कॉस थीटा है, कॉस थीटा की जगह मैं कॉस 180 लिख सकती हूँ, बिकॉज दे आर एंटी पैरेलल, और ये डी से बी तक के हैं। अब देखिए कि जब कॉस 180 हो जाए, तो वो हमारे वर्क को नेगेटिव कर देता है, तो हमारा अब वर्क जो है वो माइनस एम जी एच आ जाता है। अब देखिए कि अब हम अगर मैं डी तक जाना पसंद ना करूं, मैं ए से सी तक जाना पसंद करूं कि ए से सी जाना है मुझे, तो जब मैं ए से सी जाती हूं, तो मैं जो डिस्प्लेसमेंट है जिसे मैं हाइट कह रही हूं, क्योंकि मैं पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हाइट गेन कर रही हूं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं तो ऊपर जा रही हूँ, लेकिन मेरा जो वेट है वो ज़मीन नीचे की तरफ खींच रही है, मुझे कशिश कर रही है, इस वजह से मैं इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कह रही हूँ। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही एक्ट करती है। इस सिचुएशन में देखिए कि वेट डाउनवर्ड है,
तो मेरा जो एंगल है वो 180 ही हुआ, क्योंकि अब दोनों एंटी पैरेलल आ गए हैं, कि मेरा डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड और जो मेरा वेट है वो डाउनवर्ड रिएक्ट कर रहा है। अब मैं अगर इसका वर्क डन फाइंड आउट करूँ कि वर्क डन फ्रॉम ए टू सी क्या है, तो मैं बताऊँगी कि मेरा वर्क डन फ्रॉम ए टू सी ये है कि एफ डी कॉस थीटा हमारे फॉर्मूले के मुताबिक, और ए से सी तक का हमने बताना है। एफ को मैं एम जी के इक्वल ले सकती हूँ और डी को मैं एच कह सकती हूँ, बिकॉज मैंने हाइट गेन की है ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। और कॉस थीटा की जगह अगर मैं कॉस 180 लिख लूँ, क्योंकि ये एंटी पैरेलल हैं, तो ये ए से सी तक का वर्क दे देंगे। अब इस सिचुएशन में जो मेरा वर्क डन है वो माइनस एम जी एच हो जाएगा, क्योंकि कॉस 180 वर्क को नेगेटिव कर देते हैं। अब देखिए कि सी तक तो मैं पहुंच गई, अब सी से मैंने ट्रैवल किया बी तक जाने के लिए। इस सिचुएशन में जो मेरी जो बॉडी थी उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड रिएक्ट करेगा, और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो आपके दाहिने हाथ की तरफ यानी राइटवर्ड करेगा। तो इस सिचुएशन में भी तो आपका एंगल 90 ही बन रहा है ना, तो ये आपके वर्क को क्या कर देगा, ज़ीरो। तो आप क्या कहेंगे, जी हमारा वर्क डन सी से बी जाते वक्त एफ बी कॉस थीटा था फ्रॉम सी टू बी। तो इस सिचुएशन में जो एफ है वो मेरा एम जी है, बी मैं ऐसी लूँगी क्योंकि अब तो मैंने कोई पोजिशन गेन नहीं की, मैं सरफेस के ऊपर ही चल रही हूँ, मेरी बॉडी कोई ज़मीन से ऊपर नहीं गई। तो इस सिचुएशन में जो है एम जी एच आ गया, और एम जी एच कॉस थीटा ज़ीरो। तो कॉस थीटा की वजह से ये जो है वर्क डी नहीं कॉस 90 आएगा, हाँ ये गलत हो गया ना मुझसे, कॉस तो 90 आएगा क्योंकि डी और वेट के दरमियान तो एंगल 90 है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी कॉस 90, और कॉस 90 जो है हमारे वर्क को ज़ीरो कर देता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पूरे पाथ मुझे अब वर्क डन चाहिए फ्रॉम ए टू बी, मैंने ये भी तो कहा था ना कि वर्क ए से बी जाते वक्त क्या होगा, पहले तो हम ए से डी आए, फिर डी से हम बी गए, फिर हम ए से सी, सी से डी गए। लेकिन ये तो दो पाथ हो गए ना, एक पाथ ये था और एक पाथ ये था, लेकिन तीसरा पाथ भी तो होना चाहिए ना जो ए से बी है। इसका वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो थर्ड पाथ है, थर्ड पाथ है वर्क ए टू बी, हाँ जी यही पाथ है हमारा। इसका अगर वर्क डन फाइंड आउट करना हो तो गौर कीजिए कि जब मैं ए से बी तक जा रही हूँ, तो मैंने आपसे कहा कि इसे ज्यूम कर लीजिए कि जैसे एक स्टेयर है, इसे आप यूं बना लीजिए कि ये जैसे ये था, इसको यूं बना लीजिए कि छोटी छोटी स्टेयर्स बन जाए ना, छोटी छोटी स्टेयर्स बना लीजिए इसको अपनी आसानी के लिए। तो आप देखिएगा कि कुछ इस तरह की शक्ल बन जाती है, ऐसे ऐसे और ऐसे, इस तरह की हर स्टेयर बन जाती है। इसे हम लोग डेल्टा एक्स कह देते हैं और इसे डेल्टा वाई कह देते हैं। यहाँ अगर डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स नहीं कहना था, तो इसे एक्स और वाई आसानी के लिए कह लीजिए, और आसान कर लीजिए कि ये एक्स है और ये वाई है, ये जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन इसे हम एक्स कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम लोग वाई कहते हैं। ठीक है जी, तो जो जब बॉडी जब एक्स कम इस तरफ आती है, इस सिचुएशन में इस तरफ इस तरह की हालत में आती है कि वो एक्स की तरफ मूव करे, तो इस सिचुएशन में जो बॉडी का वेट है वो डाउनवर्ड रिएक्ट करता है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होता है। तो जैसे वो एक्स की तरफ आती है तो उस वक्त तो उसका जो वर्क है वो ज़ीरो हो जाता है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी का जो वर्क डन है वो ज़ीरो हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है। जब वर्टिकल डायरेक्शन की बात आती है तो इस सिचुएशन में हमारी बॉडी जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है, लेकिन उसका जो वेट है एम जी डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो एंगल 180 होने की वजह से मैं कहूँगी कि वाई की सिचुएशन की तरफ जाते वक्त हमारा जो वर्क है वो नेगेटिव हो सकता है, हो जाता है। तो इसमें सिर्फ एक ही वाई तो नहीं, इतनी स्टेयर्स हमने बनाए हैं, एक्स की वजह से तो वर्क ज़ीरो हो गया, उसे रहने दीजिए, लेकिन वाई की वजह से तो वर्क है, यानी कि वाई वन भी आ सकता है। इस तरह की सिचुएशन हम लोगों ने बनाई ना, इतनी स्टेयर्स हमने बनाई कि ये वाई वन है, फिर वाई टू है, वाई थ्री है, सो ऑन चलता चलता वाई एन तक हम लोग पहुँच गए। तो मैं इसे यूँ कर सकती हूँ, वाई वन वाई टू प्लस वाई थ्री सो ऑन वाई एन, ये वाई एन तक आया, जिसे मैं डेल्टा वाई कह के एच के इक्वल कर लूँ, या सिंपली एच के इक्वल कर लूँ कि सारा का सारा जमा होके एच के इक्वल आ जाता है। तो जहाँ पर भी वाई आएगा मैं एच कह सकती हूँ। अब मैं क्या करूँगी कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी जाते वक्त एफ बी कॉस थीटा होना चाहिए था, और हम सिर्फ वाई कंपोनेंट के लिए वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एक्स ने तो हमारा वर्क डन ज़ीरो कर दिया।
तो फॉर वाई कंपोनेंट अगर मैं यहाँ पर वाई कंपोनेंट आएगा और एफ जो है हमारा एम जी है, जो डी है जिसे मैंने एच वाई, जो डी है हमारी हाइट ही है ना जो हम लोग ऊपर गेन कर रहे हैं उसे वाई, वो वाई थी और वाई को अब मैंने डी वो एच के इक्वल कर लिया, तो यहाँ पर एम जी एच आ जाएगा और कॉस थीटा 180 आ जाएगा। ठीक है, इस डे की वजह से कंफ्यूज नहीं होना, मैंने एच में लिखा, एच इस वजह से लिखा क्योंकि अब हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट में जो हमारा डी है जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई के इक्वल है और वाई को मैंने सब वाई को समराइज करके उनको जमा करके मैंने एच के इक्वल कर दिया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एच लगा दिया। ठीक है, अब 180 की वजह से हमारा जो है वर्क डन वो माइनस एम जी एच हो जाता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरा वर्क डन, अब देखिए कि पाथ वन का भी वर्क डन वही है, पाथ टू का वर्क डन, ये पाथ वन का वर्क डन था हमारा कि बी से हम लोग ए से बी, बी से सी गए। ठीक है, तो इस सूरत में हमारा वर्क डन माइनस एम जी एच ही रहा क्योंकि ए से डी तक जाते तो जीरो था और डी से बी गए तो माइनस एम जी एच। इसी तरह जब हम लोग ए से सी की तरफ गए तो वर्क डन हमारा माइनस एम जी एच था और जब सी से बी की तरफ आए तो ज़ीरो हो गया। इसी तरह जब हम ए से बी की तरफ गए तो छोटी छोटी स्टेयर्स में हमने उसे डिवाइड कर लिया और एक्स कंपोनेंट जो उसका एक्स था, एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उस पर जब बॉडी मूव करती है तो उसका वर्क डन ज़ीरो हो जाता है और जैसे ही वो वाई डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती है तो उसका वर्क डन जो है वो माइनस एम जी एच हो जाता है। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड में इस पूरे फील्ड में जो है एक इस तरह की फील्ड बन गई है, इस तरह का रास्ता बन गया है ए से डी, डी से बी, डी से सी और सी से ए, मुझे इस पूरे पाथ का अब जो है वर्क डन चाहिए, तो मैं अब क्या करूँगी कि अब मुझे इस पूरे पाथ का वर्क डन निकालने के लिए वर्क डन फ्रॉम ए टू डी, डी टू बी, बी टू सी और सी से दोबारा ए तक वापस आना पड़ेगा। तो इसको हम लोगों ने जैसे लास्ट टॉपिक में बताया था कि पहले ए से डी का वर्क डन, फिर डी से बी का वर्क डन, फिर बी से सी का वर्क डन और फिर जब हम सी से ए की तरफ आते हैं तो इस सिचुएशन का वर्क डन बताएंगे। अब जब बॉडी ए से बी तक गई थी तो ये बॉडी थी और ये उसका डिस्प्लेसमेंट था और ये उसका एम जी डाउनवर्ड था, इस वजह से हम लोगों ने वर्क डन ज़ीरो निकालना था। जब बॉडी डी से बी की तरफ गई थी तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में थे डिस्प्लेसमेंट एंड एम जी, तो हमारा जो वर्क निकला था वो प्लस नहीं बल्कि माइनस एम जी निकला था, तो यहाँ पर आएगा माइनस एम जी एच। और जब हम बी से सी की तरफ आए थे तो उस वक्त हमारा जो वेट था, उस वक्त हम ये सिचुएशन थी ना कि ए से सी गए, सी से बी गए, सी से बी जाए या बी से सी आए, बात तो एक ही है कि बॉडी जो है वो सरफेस पे मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट उसका राइटवर्ड है और उसका वेट डाउनवर्ड जो कि एंगल को, जो कि वर्क को हर हाल में ज़ीरो ही कर रहा है। और जब हम लोग सी से ए की बात करते हैं तो यहाँ पर बात जो है ज़रा गौर से सुनने वाली है, वो ये कि जब हम लोगों ने पहली बार डिस्क्राइब किया था इसको वर्क को, तो हमने कहा था कि हम ए से सी की तरफ जा रहे हैं, ए से सी की तरफ गए थे तो हमारा वेट डाउनवर्ड था जबकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड था जिसकी वजह से 180 एंगल निकला था। अब मैं ये कह रही हूँ कि मैं सी से ए की तरफ आ रही हूँ, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड और मेरा वेट भी डाउनवर्ड, तो इस सिचुएशन में मेरा जो वर्क है इसको अगर मैं यूँ क्लियर करके आपको बताऊँ कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सी से ए की तरफ आते वक्त मेरा डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड हो जाता है और मेरा जो वेट है वो भी एम जी डाउनवर्ड व्यक्त करता है, तो जो मेरा एंगल है वो इस सिचुएशन में ज़ीरो है क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, तो ज़ीरो होने की वजह से अब मेरा वर्क डन जो है वो प्लस एम जी एच आएगा, जो प्लस एम जी एच आता है वो माइनस एम जी एच के साथ कैंसिल होकर वर्क को ज़ीरो कर देता है। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रूव हो जाता है कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़ीरो होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड में जो काम होता है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर काम होता है। यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड हमने बताया क्या थी, कि हमने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या थी, ग्रेविटेशनल फोर्स में जो वर्क होता है फोर्स की वजह से वो किस सिचुएशन का है और वर्क की वजह से पोजीशन भी जो हम लोग गेन करते हैं उसके सिचुएशन के हैं। फिर हम लोगों ने एक बॉल के एग्जांपल से समझा, फिर हम लोगों ने ये भी बताया कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे वर्क को, तो हम लोगों ने कैलकुलेशन भी बता दी उसकी।
हमने ये भी बताया कि अगर हम एक क्लोज्ड पाथ ले लें तो क्लोज्ड पाथ में सारे के सारे वर्क डन को जीरो कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह से हम साबित कर सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स में किया जाने वाला वर्क, यानी कि हम लोग कहेंगे कंजर्वेटिव तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये आना चाहिए कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों के वर्क बराबर होते हैं।